नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे ब्रेड के पीसेस से बहुत ही आसान और स्वीट डिश, और इसको बनाना बहुत ही आसान है और यह मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। यहाँ मैंने 5 ब्रेड ले लिए हैं और इनको मैंने एक ब्रेड के 4 टुकड़े करते हुए काट लिया है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। यह मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने डाला है देसी घी। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल या जो भी आप ऑयल खाना पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं जो आज ये अपने ब्रेड की रेसिपी है ये मैं देसी घी में ही बना के तैयार कर रही हूँ। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक हम अपने दूध को बॉयल कर लेते हैं। यह मैंने लगभग 600 ग्राम दूध ले लिया और इसको मैंने गैस की फ्लेम पे उबलने के लिए रख दिया। हम दोनों काम साथ साथ कर लेंगे तो जो ये हमारी रेसिपी है ये 3 से 4 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। अब जो ये हमारा घी है ये गर्म हो चुका है और हमने अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और अपने जो ये ब्रेड के स्लाइस है इनको हमने हल्का सा तल के तैयार करना है। हम इनको ज्यादा नहीं तलेंगे, इस तरह से हम इसको पलट पलट के हल्का सा तल के तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो मीडियम ही रखना है। अपने ब्रेड को ज्यादा तलेंगे तो ये जो हमारे ब्रेड है ये सॉफ्ट नहीं रहेंगे बल्कि हार्ड हो जाएंगे, और इस तरह से मैं इनको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। ऐसे मैं अब अपने सारे ब्रेड्स को इसी तरह से तल के तैयार कर लूंगी। अब जो ये सारे ब्रेड हैं इनको हमने तल कर तैयार कर लिया है और इनको हमने ज्यादा सख्त नहीं तला है, तो अब हम इनको एक तरफ रख देते हैं। और जो ये हमारा दूध है ये भी बॉयल हो चुका है। अब जो ये हमारा दूध है ये अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर और मिलाएंगे। यह मैंने कटोरी में थोड़ा सा दूध बचा लिया था, इसके अंदर मैं यहाँ डालूंगी लगभग 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो ये हमारा दूध है ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। हमने अपने इस दूध में कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिलाना है, इस तरह से। अब हम इसमें उबलते हुए दूध में अपना ये कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए। अगर हम एकदम अपना कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे तो जो ये हमने कटोरा लिया है ये इसकी तली में जम जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालकर ही हमने अपने दूध को अच्छे से बॉयल करना है, इस तरीके से। अब हम इसके अंदर डालेंगे धागे वाली मिश्री। आप चाहे तो इसकी जगह चीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ धागे वाली मिश्री ही इसके अंदर डाली है। मीठा आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए बॉयल करना है। अब अपने दूध को उबलते हुए कस्टर्ड डालने के बाद से 3 से 4 मिनट हो चुकी है। हमने अपने दूध को और ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से जो ये हमारा दूध में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं अपने जो ये दूध है इसको एक बॉयल के अंदर निकाल लूंगी। अब जो ये हमने ब्रेड लिए थे उसको हम अपने इस प्याले में इस तरह से डिप कर देते हैं। अब जो ये हमारे ब्रेड के पीसेस थे वो मैंने अपने इस बाउल के अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसकी गार्निश कर लेते हैं। आप गार्निश अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट के साथ भी कर सकते हैं, फ्रूट्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो चीज आपको अच्छी लगती है वही आप अपने इस डिश के अंदर डाल सकते हैं। इसको बच्चे बड़े सभी बहुत खुश होके खाएंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप इसे देख रहे हैं कि जो ये हमारी डिश है कितनी अच्छी से बनके तैयार हो गई है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखें। आपकी ये वीडियो कैसी बनी, आपके जो भी अनुभव रहे हैं उन्हें आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक लाइक का बटन जो होता है अगर आप वो दबा दोगे तो इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।
तो आप इस वीडियो को जरूर बना के देखें और आपके जो भी कमेंट है उन्हें आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाते समय हमने दो बातों का ही विशेष ध्यान रखना है कि एक तो बात यह है कि जब हम अपने ब्रेड की स्लाइस को डीप फ्राई करते हैं तो हमने इनको ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ एक से डेढ़ मिनट तक ही हमने इनको पकाना है। और जो हम दूध बॉयल करते हैं तो हमने दूध को भी यहाँ ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर हमने दूध को ज्यादा गाढ़ा कर दिया तो जो ये हमारी डिश है वो इतनी अच्छे से बनके तैयार नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ये ब्रेड है ये दूध को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपने मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। Late now, I remember you.